गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अवनय सिंह तोमर और आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स में बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक और पूरी फिजिक्स में आपको ये टॉपिक काम आने वाला है भाई। आज हम पढ़ने वाले हैं फोर्स यानी कि बल के बारे में। बल से संबंधित जो भी क्वेश्चन आपके बनते हैं उन सभी क्वेश्चन को हम कवर करेंगे, तो वीडियो को आप बिल्कुल लास्ट तक देखें और आपको पसंद आए तो कमेंट करके जरूर बताएं भाई और वीडियो को लाइक जरूर करें अगर आपको पसंद आती है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखते हैं, देखो बल के बारे में हम क्या जानते हैं भाई। अगर बिल्कुल सिंपल शब्दों में मैं बल या फोर्स को परिभाषित करूं तो ये कहा जाता है कि बल एक बाह्य कारक होता है, एक्सटर्नल सोर्स होता है। आप ये बात ध्यान रखें, कोई वस्तु का गुण या प्रॉपर्टी नहीं होती है बल। बल क्या होता है? एक्सटर्नल सोर्स यानी कि बाहर से लगाया गया कोई बल ही कहलाता है। सही है। जिस प्रकार से आप ये देखें भाई, अगर बाह्य वह कारक जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कर दे या फिर स्थिति में परिवर्तन कर दे या फिर दिशा में परिवर्तन कर दे या फिर आकार में परिवर्तन कर दे, तो उस बाह्य कारक को ही हम क्या कहते हैं? बल कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? बल कहते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं कि हमने एक रबड़ की बॉल ली और उस बॉल को दबाया, उसका आकार क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। तो बाहर से जो कारक हम लगा रहे हैं उस पर, वही क्या कहलाएगा भाई? बल कहलाएगा। सीधी जा रही थी कोई वस्तु, हमने मोड़ दी तो उस पर हमें एक एक्सटर्नल सोर्स लगाना पड़ा जिसके कारण उसकी दिशा में हमने परिवर्तन कर दिया। या फिर आप देख सकते हैं कोई वस्तु रुकी हुई है, आपने धक्का दे दिया और धक्का देने के बाद वस्तु गति में आ गई तो रेस्ट से मोशन में आ गई यानी कि ब्राह्म अवस्था से गति में आ गई। तो इस प्रकार का जो बाह्य कारक होता है उसी को क्या कहते हैं हम? बल। तो ये तो व्यावहारिक डेफिनेशन हो गई बल। देखो मैं आपको और डिटेल में बताता हूं भाई कि बल या फिर फोर्स क्या होता है। सही है। तो आप याद रखें, ये एक बाह्य कारक होता है। क्या होता है भाई? बाह्य कारक होता है जो, ये कैसा बाह्य कारक होता है? जो किसी भी वस्तु की या तो स्थिति में परिवर्तन कर दे। सही है भाई, या तो स्थिति में परिवर्तन कर दे, अगर स्थिति में नहीं तो उसकी अवस्था में या फिर उसके आकार में, नहीं तो फिर उसकी दिशा में। सही है। अगर ये परिवर्तन कर देता है, सही है, अगर कोई बाह्य कारक इनमें से किसी भी चीज में परिवर्तन कर देता है तो उसी को हम क्या कहते हैं भाई? फोर्स कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं हम? फोर्स कहते हैं। और इसे कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट किया करते हैं। हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई? कैपिटल एफ से। तो ये बिल्कुल व्यावहारिक डेफिनेशन है। अगर आप मैथमेटिकली डेफिनेशन देखेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है एफ बराबर एम ए। क्या फॉर्मूला होता है भाई? एफ बराबर एम ए, जहां पर m वस्तु का द्रव्यमान है और जहां पर a वस्तु का त्वरण है भाई। तो त्वरण और द्रव्यमान इन दोनों का मल्टीपल ही क्या कहलाता है? उस वस्तु का फोर्स। तो अगर आप परिभाषा लिखना चाहते हैं गणितीय या मैथमेटिकली, तो मैं आपको बोल रहा हूं भाई, आप लिख सकते हैं किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसमें उपस्थित त्वरण या उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल को ही क्या कहते हैं? उस वस्तु पर लगने वाला बल या उस वस्तु का बल कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? किसी वस्तु का द्रव्यमान और उसमें, उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल को ही क्या कहते हैं? बल कहते हैं। इसके अतिरिक्त इसकी एक डेफिनेशन और बनाई जा सकती है, बल्कि एक डेफिनेशन और बनाई जा सकती है। आप बहुत ध्यान से समझें इस चीज को। कैसे समझेंगे भाई? देखो m को हमने ऐसे ही रहने दिया। मैंने आपको त्वरण बताया था भाई। त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर। वेग में परिवर्तन की दर को ही हम क्या कहते हैं? यानी कि डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी लिख सकते हैं। समय के साथ साथ वेग में जो परिवर्तन होता है उसी को क्या कहते हैं हम? त्वरण कहते हैं भाई। और इन दोनों को हम देखते हैं। देखो चूंकि हम जानते हैं p बराबर क्या होता है भाई? mv। p बराबर क्या होता है? mv। अगर वेग में परिवर्तन है तो क्या संवेग में परिवर्तन नहीं होगा? ये होता है संवेग द्रव्यमान इनटू वेग। तो अगर हम वेग में परिवर्तन ले रहे हैं
हमें संवेग में भी परिवर्तन लेना पड़ेगा। क्लियर है? तो द्रव्यमान तो कभी बदल नहीं सकता। मैंने बताया था किसी भी वस्तु में उपस्थित जो वास्तविक द्रव्य होता है उसी को उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। तो ये तो कभी बदलेगा नहीं। हम अगर इन दोनों को एक साथ लिखें तो क्या डेल्टा पी नहीं लिख सकते? हम लिख सकते हैं भाई डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी लिख सकते हैं इज इक्वल टू एफ। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? देखो पहले डेल्टा बी अपॉन टी था तो ये वेग में परिवर्तन की दर थी, सही है। अब ये डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी है तो ये क्या होगा? संवेग में परिवर्तन की दर। तो आप याद रखेंगे बल को इस प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं आप कि संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर को ही क्या कहा जाता है? बल। तो बल की तीन डेफिनेशन आप बिल्कुल क्लियर देख पा रहे हैं भाई कि वह बाह्य कारक जो किसी भी वस्तु की स्थिति अवस्था आकार या फिर दिशा में परिवर्तन कर देता है उसी को बल कहते हैं। नहीं तो किसी भी वस्तु के द्रव्यमान और उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल को बल कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं संवेग में परिवर्तन की दर। संवेग में परिवर्तन की दर को भी क्या कह सकते हैं? बल कह सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही हैं भाई। आप देखो इसके मात्रक को लेकर चलते हैं, इसका मात्रक और ये राशि कैसी है, इन सारी चीजों पर भी डिस्कस करते हैं। देखो अगर एफ की बात करें हम, इसकी बात करें भाई एफ, तो ये एक व्युत्पन्न राशि है भाई। कैसी है? व्युत्पन्न राशि है। तो याद रखेंगे कैसी राशि है? व्युत्पन्न राशि है। और व्युत्पन्न राशि होने के साथ साथ, व्युत्पन्न राशि होने के साथ साथ ये सदिश राशि भी है। कैसी राशि है? वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि भी है भाई। और सदिश राशियां क्या होती हैं? जिन्हें परिमाण के साथ साथ, परिमाण के साथ साथ किसकी आवश्यकता होती है भाई? दिशा की। तो याद रखना जब कभी भी हम बल की बात किया करेंगे तब उसके साथ दिशा की बात जरूर करेंगे भाई कि वो बल किस दिशा में लग रहा है। अगर उसके दिशा की बात नहीं की जाएगी यानी कि वो बल नहीं है। इतना क्लियर हो रहा है आप सभी को? क्यों? क्योंकि बल कैसी राशि है? सदिश राशि है। अगर इसके मात्रक की बात करें, इसके मात्रक की बात करें तो ध्यान से देखो द्रव्यमान के लिए क्या लगाते हैं भाई? किलोग्राम। द्रव्यमान के लिए क्या लगाते हैं? किलोग्राम। और त्वरण के लिए क्या लगाते हैं? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका मात्रक होता है। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका मात्रक होता है। एक अतिरिक्त मात्रक और होता है, वो भी याद रखना है, न्यूटन। क्या होता है इसका एक मात्रक? न्यूटन भी होता है। और न्यूटन क्या होता है भाई? आप समझे देखो, अगर एक न्यूटन की हम बात करें, न्यूटन को कैपिटल एन लिख देते हैं, अगर न्यूटन की हम बात करें तो एक न्यूटन क्या होता है भाई? अगर इन्हें भी यूनिट डिजिट मान लिया जाए, तो ये एम और ए को, एम और ए को ये क्या मान ले भाई? एक। और एम के एस पद्धति में किस में लेते हैं? किलोग्राम। याद रखना न्यूटन किस पद्धति में है भाई? एम के एस या फिर एसआई कह सकते हैं आप, एम के एस या एसआई पद्धति में है। तो ये एक किलोग्राम मान सकते हैं और ये एक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या मान सकते हैं त्वरण को? एक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर मान सकते हैं। तो देखो बहुत ध्यान से सुनना, एक न्यूटन बल क्या होता है, सही है? ध्यान से सुनना भी देखो और लिखना इस चीज को, एक न्यूटन बल क्या होता है? एक न्यूटन बल वह होता है जो एक किलोग्राम के किसी पिंड, जो एक किलोग्राम के किसी पिंड में एक मीटर प्रति सेकंड, एक मीटर प्रति सेकंड के त्वरण उत्पन्न करने के लिए आवश्यक हो। एक मीटर प्रति सेकंड का त्वरण उत्पन्न करने के लिए आवश्यक हो। क्लियर है भाई? चाहे वो धनात्मक हो या फिर ऋणात्मक, या फिर आप ये कह सकते हैं रेस्ट में वस्तु, आपने बल लगाया और कितना त्वरण उत्पन्न कर लिया उसमें? एक मीटर प्रति सेकंड, और वस्तु गति में आ गई तो धनात्मक होगा। लेकिन चलती हुई वस्तु को अगर आपने रोक दिया तो अधिक वेग से कम यानी कि घटेगा, तब उस समय बल क्या होगा? ऋणात्मक। तो आप ध्यान रखना कि एक न्यूटन बल क्या होता है? एक न्यूटन बल वह बल होता है जो एक किलोग्राम के किसी पिंड में एक मीटर प्रति सेकंड का वेग, सॉरी त्वरण उत्पन्न करने के लिए आवश्यक होता है। एक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए आवश्यक होता है। तो इतनी बात क्लियर कर पा रहे हैं या नहीं?
इसके बाद देखो एक मात्रक और होता है, वो भी आपको याद रखना है, इसका डाइन। इसका एक मात्रक और होता है जिसे हम क्या कहते हैं, डाइन कहते हैं, डाइन नहीं भाई, डाइन कहते हैं। और ये डाइन सीजीएस पद्धति में होता है। किस पद्धति में होता है? सीजीएस पद्धति में। और आप जानते हैं भाई एमकेएस पद्धति, देखो मैं डिटेल से इस बात को बताता हूं आपको कि आपको कोई समस्या नहीं आए आगे, देखेंगे देखो ध्यान से और क्या क्या चीजें इससे हैं जो आप समझ सकते हैं भाई, सही है। देखो एमकेएस पद्धति, एमकेएस पद्धति हमने देखा मीटर, किलोग्राम और ये सेकंड, मीटर किलोग्राम सेकंड। और इसमें क्या था भाई, न्यूटन। क्या मात्रक था एमकेएस में? न्यूटन। जबकि दूसरा देखा हमने सीजीएस, और सीजीएस में सेंटीमीटर, ग्राम और ये सेकंड, यानी कि ये दोनों राशि कैसी हैं? बिल्कुल सेम। ये दोनों राशि कैसी हैं? बिल्कुल सेम। अगर एक न्यूटन की बात करें, एक न्यूटन की बात करें तो हम क्या लिखेंगे भाई कि एक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यही तो लिखेंगे। अरे दोनों बराबर हैं, एमकेएस पद्धति में ही न्यूटन होता है, एमकेएस पद्धति में ही किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अगर हमें किसमें कन्वर्ट करना है? सीजीएस पद्धति में, तो किलोग्राम को किसमें कन्वर्ट कर दें भाई? ग्राम में। और मीटर को किसमें कर दें? सेंटीमीटर में। तो देखना भाई मीटर न्यूटन में और डाइन में क्या रिलेशन आता है। आप लिख सकते हैं न्यूटन में और डाइन में संबंध क्या होता है। तो देखो ध्यान से, एक तो ऐसे ही रहेगा भाई, किलोग्राम को ग्राम में चेंज करना है तो 1000 ग्राम नहीं होते हैं, होते हैं भाई। इसके बाद देखेंगे देखो मीटर, और मीटर में कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। क्या अब इसे आप ऐसे लिख सकते हैं? देखो 10^3 ये है, 10^2 ये है, टोटल कितनी हो गई? 5 ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और यही क्या होता है भाई? सीजीएस पद्धति। और यही क्या होती है? सीजीएस पद्धति। तो क्या इसके स्थान पर डाइन नहीं लिख सकते आप? तो एक न्यूटन इज इक्वल टू क्या होता है? 10^5 डाइन, 10^5 डाइन। बताओ इतना क्लियर है? क्लियर होना चाहिए भाई, बिल्कुल बेसिक चीजें मैंने आपको बताई हैं, सही है। देखो बल से संबंधित चीजें आप समझे थोड़ी बहुत, और देखो आगे क्या क्या समझ सकते हैं हम। अभी तो देखो सिंगल फोर्स की बात कर रहे थे, एक बल की। अगर किसी एक वस्तु पर, अगर किसी एक वस्तु पर एक से अधिक बल कार्य कर रहे हो, जैसे आप लिखें पहला ये हेडिंग, यदि किसी एक वस्तु पर एक से अधिक बल कार्य कर रहे हो, मान लो दो ही बल को लेकर चल रहे हैं, 5 न्यूटन बल इस प्रकार से लग रहा है और 5 न्यूटन बल इस प्रकार से, सही है। यानी कि इन दोनों बलों का जो परिणामी होगा, इन दोनों बलों का जो परिणामी का मतलब होता है रिजल्टेंट, सही है, निष्कर्ष क्या होगा। तो देखो दोनों ओर से बराबर बल लग रहे हैं, ये अगर प्लस में लोगे ये माइनस में, जुड़ने के बाद क्या आएगा भाई? शून्य। अरे दोनों बलों का परिणामी जुड़ने के बाद क्या आएगा? शून्य ही तो आएगा, एक प्लस में और माइनस में इक्वल है तो इनका परिणामी क्या होगा? शून्य, सही है। और इस स्थिति में क्या वस्तु किसी और खिसकेगी? आप खुद बताओ, इधर से भी 5 न्यूटन का है, इधर से भी, तो वस्तु कहां रहेगी भाई? स्थिर अवस्था में। किस अवस्था में रहेगी? स्थिर अवस्था में, क्लियर है। तो अब आपको ये लाइन लिखनी है, यदि किसी वस्तु पर एक से अधिक बल कार्य कर रहे हो और उनका परिणामी कैसा हो? शून्य। और उनका परिणामी कैसा हो? शून्य हो, तो वस्तु संतुलित अवस्था में कहलाती है। वस्तु कैसी कहलाती है भाई? संतुलित अवस्था में। तो याद रखेंगे, और इस अवस्था में वस्तु कैसी होती है? रेस्ट में। कैसी होती है भाई? स्थिर या रेस्ट, ब्राह्म अवस्था में होती है। किस अवस्था में होती है? ब्राह्म अवस्था में। ये लाइन क्लियर हुई। अब दूसरी कंडीशन, यदि सभी बलों का परिणामी शून्य ना हो, जैसे यहां 10 न्यूटन का फोर्स लगाया आपने और यहां से केवल 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, यहां से केवल 5 न्यूटन का, तो इनका जो परिणामी होगा यानी कि रिजल्टेंट जो होगा, क्या वो शून्य आएगा? नहीं,
वो प्लस आएगा क्योंकि प्लस का ज्यादा है, कैसा आएगा भी धनात्मक। तो ये वस्तु संतुलित अवस्था में नहीं रहेगी, ये कैसी होगी असंतुलित, असंतुलित अवस्था में, किस अवस्था में होगी असंतुलित अवस्था में। और इस अवस्था में वस्तु भ्राम्य नहीं होगी, इस अवस्था में वस्तु भ्राम्य नहीं होगी, किस अवस्था में होगी भाई गति की अवस्था में, कैसी होगी गति अवस्था में। अब इतनी बात क्लियर कर पा रहे हैं या नहीं? और यदि ये तो देखो विपरीत दिशा से लग रहे हैं, यदि दोनों बल एक ही दिशा में लग रहे हो, जैसे ये स्थिति मान सकते हैं आप, ये कोई पिंड है, इसमें एक बल ये लग रहा है और दूसरा बल ये, और दोनों बल एक दूसरे से अल्फा एंगल बना रहे हैं, ये पी क्यू पी है और ये क्यू बल है, दो बल हैं किसी पिंड पर। आप इस लाइन को लिखें, यदि दो बल किसी एक पिंड पर एक ही दिशा में एक दूसरे से अल्फा कोण बनाते हुए कार्य कर रहे हैं, एक दूसरे से अल्फा कोण बनाते हुए कार्य कर रहे हैं, तो इस स्थिति में उनका जो परिणामी होगा, इस स्थिति में उनका जो परिणामी होगा मतलब उनका जो रिजल्टेंट होगा उसका मान होता है देखो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू, टू पी क्यू कॉस थीटा, क्या होता है भाई कॉस थीटा, और ये सब होता है वर्गमूल के अंदर। याद रखना जब किसी एक पिंड पर दो बल एक ही दिशा में एक दूसरे से अल्फा के कोण पर कार्य कर रहे हो तो उनका जो परिणामी होता है यानी कि जो रिजल्टेंट होता है वो क्या होता है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा। किस पर डिपेंड करता है भाई कॉस थीटा के मान पर निर्भर करता है कि उनका परिणामी कितना मैक्सिमम होगा कितना मिनिमम। तो याद रखेंगे यहां से एक क्वेश्चन और बनता है, यदि इन्हें कॉन्स्टेंट कर दे बल को, ये भी एक न्यूटन और ये भी एक न्यूटन, देखो दोनों क्या है भाई एक एक न्यूटन है, तब क्या रिजल्ट निकलेगा। देखो ध्यान से समझना इस चीज को, ये समझने वाली चीजें हैं भाई, रटोगे तो क्वेश्चन छोड़कर आ जाओगे और अगर समझोगे तो कर पाओगे। देखेंगे देखो ध्यान से कि अगर आर की वैल्यू पुट कर दें, देखो पी भी बन रख दिया हमने बन का स्क्वायर प्लस क्यू भी बन रख दिया बन का स्क्वायर प्लस टू बन इंटू बन इंटू कॉस थीटा, क्लियर है भाई। और इसे सॉल्व करना टू प्लस टू कॉस थीटा, क्या ये नहीं होगा, इसमें से टू कॉमन आ रहा है, टू को बाहर निकाल लेते हैं, देखो अंडर रूट टू वन प्लस कॉस थीटा, वन प्लस सॉरी थीटा के स्थान पर अल्फा लिया था भाई हमने, क्या लिया था अल्फा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या तो इसे अल्फा कर दो थीटा कर दो नहीं तो सारा अल्फा कर दो, क्लियर है भाई। अब यहां पर आप देखें कि जो आर है, जो आर है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, वो क्या रूट टू के मान पर डिपेंड करेगा, रूट टू तो फिक्स वैल्यू है, ये ना तो घटनी ना बढ़नी, घट और बढ़ क्या सकता है कॉस अल्फा, क्या घट बढ़ सकता है कॉस अल्फा, और आप जानते हैं कॉस में अगर कॉस हो हमारे पास तो कॉस में जीरो की वैल्यू क्या होती है जीरो डिग्री और 90 डिग्री, जीरो डिग्री होता है वन और 90 डिग्री होता है शून्य, जीरो डिग्री होता है वन और 90 डिग्री होता है शून्य, यानी कि कॉस थीटा में मान जैसे जैसे बढ़ेगा, कॉस थीटा में मान जैसे जैसे बढ़ेगा, आप इस लाइन को लिखें कॉस थीटा में मान जैसे जैसे बढ़ेगा, क्योंकि कॉस थीटा में वन और जीरो से ना तो जीरो से कम हो सकता है कभी और ना ही वन से ज्यादा हो सकता है, ना तो जीरो से कम हो सकता है कभी और ना ही वन से ज्यादा हो सकता है, पॉजिटिव वैल्यू की बात कर रहे हैं हम, तो उस स्थिति में निगेटिव वैल्यू में नहीं जा रहे भाई, केवल पॉजिटिव वैल्यू की बात कर रहे हैं सही है। तो उस स्थिति में जो मान होगा इसका एक से लेकर जीरो तक घटेगा, किसके साथ कोण बढ़ने के साथ साथ, अगर पॉजिटिव वैल्यू में मैक्सिमम देखें हम आर कैसा देखें भाई मैक्सिमम, तो याद रखना रूट टू
और यहां पर क्या आ जाएगा भाई आपका रूट टू, यहां पर वन प्लस मैक्सिमम मान किस पर होगा कॉस जीरो पर, यानी कि इसका मतलब क्या है इस वस्तु पर दोनों बल इस प्रकार से एक दूसरे के समांतर कार्य कर रहे हैं, दोनों बल एक दूसरे के समांतर कार्य कर रहे हैं, तभी तो हमने कॉस अल्फा जीरो कर दिया भाई, कॉस अल्फा क्या कर दिया जीरो डिग्री। तो आप देख पा रहे हैं दोनों बल कैसे कार्य कर रहे होंगे, एक दूसरे के समांतर कोई भी एंगल उनमें नहीं बन रहा होगा, जीरो का एंगल होगा, कैसा एंगल होगा भाई जीरो का एंगल होगा। तो इस स्थिति में रूट टू और ये वन हो जाएगा, तो पूरा क्या हो गया भाई वन प्लस वन यानी कि टू। तो उस समय मैक्सिमम आर मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी टू होगी, क्लियर है। अगर मिनिमम वैल्यू की बात करें तो दोनों बल एक दूसरे के इस प्रकार से लगेंगे, दोनों बल एक दूसरे पर इस प्रकार से कार्य करेंगे, इस समय इनके बीच एंगल कितना होगा 90 डिग्री। और अगर 90 डिग्री की बात करें तो देखो आर रूट टू वन प्लस कॉस 90, वन प्लस कॉस 90 और इसका मान जीरो है, इसका मान क्या है भाई जीरो, तो वन प्लस जीरो यानी कि वन का रूट वन ही होता है, तो कितना आ गया रूट टू। तो आप याद रखना ये मिनिमम वैल्यू है, ये क्या है मिनिमम वैल्यू। तो अगर दो बल एक दूसरे से अल्फा के कोण पर कार्य कर रहे हैं, एक दूसरे से अल्फा के कोण पर कार्य कर रहे हैं, तो उस स्थिति में क्या होगा भाई आर का मान पॉजिटिव वैल्यू के लिए, आर का मान मैक्सिमम तो दो होगा और मिनिमम रूट टू होगा, मैक्सिमम दो होगा और मिनिमम रूट टू होगा। तो बल के बारे में ये कुछ मुख्य बातें हैं जो आपको समझ में आई होंगी भाई, और ये वीडियो नहीं तो लंबा हो जाएगा। हम टाइप्स ऑफ फोर्स भी पढ़ते हैं कि बल मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, तो बल के प्रकार पढ़ने के लिए अगला वीडियो जरूर देखें भाई। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो और नॉलेज अच्छी लगी हो इसकी, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर स्टूडेंट तक ये चीज़ें पहुँच पाएँ। थैंक यू।